गाइस आज के एपिसोड में हम लोग जाएंगे चेन्नई से महाबलीपुरम, महाबलीपुरम से पौंडीचेरी। इसके प्रीवियस 3 एपिसोड बन चुके हैं चेन्नई के स्ट्रीट फूड से लेके हमने काफ़ी अमेजिंग जगह एक्सप्लोर करी है, उसके लिस्ट मैं नीचे दे रहा हूँ, आप जाके एक्सप्लोर कर सकते हो और अच्छी अच्छी जगह देख सकते हो चेन्नई में खाना खाने की। सो आज के एपिसोड में शुरू करते हैं अपनी जर्नी टूवर्ड्स पौंडीचेरी। सो गाइस आज हम जा रहे हैं पौंडीचेरी एंड दिस इज लास्ट डे इन चेन्नई। हम ठहरे ITC वेलकम होटल के अंदर, काफ़ी अच्छा प्रॉपर्टी है ये, तो देखो सैनिटाइज का प्रॉपर अरेंजमेंट कर रखा है इन्होंने। तो गाइस चलते हैं, हमने अपनी बिलिंग करवा ली है, आई गोइंग टू पौंडीचेरी नाउ। एक्चुअल में क्रोकोडाइल है, तो ये क्रोकोडाइल क्या करते हैं, अपनी जो सांस है, अपना जो मेटाबॉलिज्म इतना स्लो कर देते हैं। ये है क्रोकोडाइल, ये क्रोकोडाइल पड़ा हुआ है लेकिन ये जिंदा है। क्रोकोडाइल 1 घंटा पानी के नीचे बिना सांस के रह सकता है। तो हम लोग इस साइड आ चुके हैं, ये देखो यहाँ पे भी कुछ देख रहे हैं, ये अभी भी एक, ये सियामेसी क्रोकोडाइल, ये रहा, ये देखिए कितना हट्टा कट्टा क्रोकोडाइल है। तो हर जगह लिखा हुआ है कीप योर हैंड्स इनसाइड, यहाँ पे चल के देखते हैं। ये क्रोकोडाइल का डाइट भी लिखी हुई है क्या खाता है, यहाँ पे वर्ल्ड ओवर से क्रोकोडाइल है। एंड ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ये टॉर्टोइस खाता है, बर्ड खाता है, फिश खाता है, ये हिल रहा है, आइए जल्दी देखिए। ये है मिसिसिपी, ये US का एलिगेटर है, ये सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल है और इसमें लिखा हुआ है शी बिल्ड्स हर माउंट नेस्ट इन समर्स एंड लेज अप टू 60 eggs, दे हैच इन 60 to 90 days। नोटिस हाउ द कलरिंग ऑफ द सॉल्ट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर इंडियन क्रोकोडाइल। शाम का टाइम है, सारे क्रोकोडाइल मस्त होकर सो रहे हैं। इसमें ये लिखा है कि टेम्परेचर जिस पे एग को इनक्यूबेट करा जाता है वो सेक्स डिटरमाइन करता है। एंड ये है मगर और द मास क्रोकोडाइल, ये वनरेबल है, मतलब ये नहीं है अबंडेंट है, ये थोड़े वनरेबल है। ये मंकी भी खाते हैं, चूहा भी खाते हैं। तो गाइस चलते हैं यहाँ पर, ये है ग्रीन इगुआना, ये देखिए छोटा वाला टॉर्टोइस कोशिश कर रहा है पानी में जाने की, ये गिर गया, एक आदमी उतर गया है। ये देखिए गाइस दिस इज द मूवमेंट, ये सबको टूवर्ड्स वाटर धक्का दे रहा है। अगर लाइफ में हमने सक्सीड होना है तो आपको भी क्रोकोडाइल जैसा बनना पड़ेगा। तो हम लोग स्नेक फार्म में आए, यहाँ पे स्नेक फार्म में ये लोग, इनके काफ़ी सारे टाइप के स्नेक्स है जिसका वेनम निकाल के ये मेडिसिन कंपनी को बेचते हैं। एंड दिस इज एन NGO, जो वो पैसा आता है वो सारे फार्म के रखरखाव के लिए वो अमाउंट यूज होता है। गाइस ये देखिए, ये बिल्कुल आपको एक्सक्लूसिवली हम लोग कैमरे के पास लेके जा रहे हैं, दैट्स द कैमरा, ये शूट हो रहा है, देखिए दैट्स अ वेरी वेरी क्लोज, ये देखिए गाइस। ये राशिद भाई हमारे साथ, इनकी ट्रैवल एजेंसी है। सो राशिद भाई बेस्ट टाइम क्या होता है चेन्नई आने का, अगर कोई टूरिस्ट पर्पस से आए तो? टूरिस्ट पर तो आ रही है, ठंडी मौसम है, ठंडी मतलब यहाँ के लिए तो गर्मी है, मतलब ठंडी मौसम है, नवंबर दिसंबर में अच्छा रहता है, नवंबर दिसंबर में अच्छा रहता है, आप मार्च के एंड तक आ सकते हो, काफ़ी अच्छा रहता है। और हमें ये क्रोकोडाइल बाग देखे काफ़ी मज़ा आया, चलते हैं नेक्स्ट स्टेशन महाबलीपुरम जा रहे हैं हम लोग, नेक्स्ट महाबलीपुरम चलते हैं। महाबलीपुरम आ चुके हैं, महाबलीपुरम, महाबलीपुरम में वैसे तो इतना फेमस नहीं था लेकिन जब से चाइनीज प्रेजिडेंट आए तब से काफ़ी फेमस हो गए। तो गाइस हम रियाज भाई के साथ है, रियाज भाई ये बताइए आप क्या बोलना चाह रहे हैं। महाबलीपुरम जो है हेरिटेज मॉन्यूमेंट, वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट, यूनेस्को साइट का है, यूनेस्को साइट का है ये महाबलीपुरम। महाबलीपुरम, महाबलीपुरम में जो है पल्लवा का जो 4 style ऑफ आर्किटेक्ट में जो बनाया, एक जो बोलता है मोनोलिथिक टॉप टू बॉटम 1 piece, और एक जो बोलता है रॉक कट केव टेम्पल, और एक पैनल टाइप, ऐसा अलग अलग स्टाइल पे जो बनाया 1300 साल पहले पल्लवा का टाइम। और 1300 साल पल्लवा का टाइम में महाबलीपुरम जो समुंदर का जो बगल में 7 मंदिर बनाया था, 6 जो मंदिर समुंदर में डूब गया, एक ही बचा हुआ। ये इसका जो कार्विंग सब गया, क्यों तो समुंदर का जो बगल में ना सॉल्ट एरोजन के वजह से गया इसका पूरा। अच्छा, पर हर साल इसका जो नमकीन लगा के वो केमिकल लगा के साफ कर रहा है आर्कोलॉजिकल एज से डिपार्टमेंट। गाइस ये है महाबलीपुरम एंड ये है सी शोर टेम्पल। तो ये फेमस टेम्पल के पास ये ऑन द बीच है और ये बोल रहे हैं कि 7 temple थे जिसमें से अब 6 पानी के नीचे हैं, पानी के अंदर है।
गाइस एंथुजियाज्म देखो, वैसे तो साइट क्लोज्ड है लेकिन लोग बाहर से ही फोटो खींच के जा रहे हैं। ये पूरे एक ही केव में से, ये सिंगल स्टोन है उसमें से ये पूरा काफ करा गया है। ये पिलर भी उसमें काफ करे गए हैं, ये नक्काशी भी काफ करी गई है। ये है अद्भुत इंडिया, ये है इनक्रेडिबल इंडिया। ये देख कितने सारे एलिफेंट्स करे गए हैं। तो सुना ये आता कि काफ़ी सारे इसमें से कंबोडिया में एक है और एक यहाँ पर ये काविंग है। ये एक ही पहाड़ में से काफ किए हैं और ये सब 1300 साल पुराना है। देखो गाइस बाहर से काम सब चालू है, अगर अंदर नहीं जा सकते तो सो देखो ये है वो स्टोन है जो लग रहा है कि गिरने वाला है लेकिन काफ़ी सालों से यहाँ पर है। द एंशिएंट आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया, महाबलीपुरम इज ऑल्सो नोन फॉर इट्स आर्किटेक्चर। ये स्कल्पचरिंग देख रहे हो आप, ये यहाँ पे काफ़ी फेमस है। ये सिंगल स्टोन स्कल्पचर है सारे गॉडेसेस के, गॉड्स के। ये साउथ इंडियन स्टाइल है, ये है जहाँ मोदी जी आए थे। तो अभी ये साइट अंदर के लिए नहीं खुली है, तो हम बाहर से आपको दिखा रहे हैं। काफ़ी लोग बाहर से क्लिक कर रहे हैं। तो ये शोइंग यू द एंटायर स्ट्रक्चर, ये सब 1300 साल पुराना है। तो गाइज ये है बैक वाटर। बैक वाटर मतलब जो सी से पानी आता है वो यार रुक जाता है, जो हमें बताया गया। तो ये महाबलीपुरम का छोटा सा पैच है विच लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। हम अपनी जर्नी कंटिन्यू कर रहे हैं पौंडीचेरी। हमें यहाँ से अप्रोक्सीमेटली अभी टाइम हो रहा है 3:40, तो हम पहुँचेंगे एग्जैक्टली 1.5 घंटे में पौंडीचेरी। 5 बजे पौंडीचेरी होगी अगर लंच के लिए नहीं रुकते। तो लेट्स कंटिन्यू आवर जर्नी फॉर पौंडीचेरी। गाइस फाइनली हम अपने होटल पहुंच गए हैं एंड ये सबसे न्यूएस्ट प्रॉपर्टी है द रेजिडेंसी टावर पौंडीचेरी के अंदर। हमने ये रूम बुक करा है कुछ 5000 इंक्लूडिंग टैक्सेस में। रूम का साइज काफ़ी बड़ा है, वी हैव ट्विन बेड, ट्विन बेड का साइज भी काफ़ी अच्छा है। एंड सबसे अच्छी खास बात की एवरी थिंग इज ऑपरेटेड फ्रॉम दिस पैड, जैसी रूम कंट्रोल्स है, लाइट्स है, देखो यहाँ पे लाइट्स है। पूरा अंधेरा हो गया है, ऑल ऑफ कर दी मैंने, अब आई कैन टर्न ऑन द लाइट। मतलब ये फीचर्स मैंने लास्ट जो देखे थे वो मैंने ITC के काफ़ी महंगे रूम में देखे थे, बट दिस इज़ वेरी वेरी नाइस। चलते हैं शहर घूमने के लिए, डिनर करने के लिए, कुछ मस्त मस्त खाना खाए के आज। तो गाइस हम लोग आए ओरो पिज्ज़ा इस वक्त एंड ये है काफ़ी फेमस जगह पिज्ज़ा खाने के लिए, स्ट्रीट फूड शेल में। यहाँ पे 200 में आप काफ़ी अच्छा पिज्ज़ा खा सकते हो। तो चलते हैं ओरो पिज्ज़ा और देखते हैं वुड फायर पिज्ज़ा जो पूरे पौंडीचेरी में काफ़ी फेमस है। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे हर चीज़ बिल्कुल स्टार्टिंग से बनाई जाती है। ये इनकी होममेड सॉस है, काफ़ी ऑथेंटिक इनकी सॉस लग रही है मुझे। ये देखिए गाइस वेज वाला जो पिज्ज़ा है वो 200 रुपये का है, जिसमें काफ़ी कुछ है। कमाल है बताओ, स्ट्रीट स्टाइल वुड ओवन पिज्ज़ा जो 5 स्टार में आपको यही खाओगे तो 1000 रुपये से ऊपर मिलेगा। ये देखिए गाइस ये हमारा बना नॉन वेज पिज्ज़ा। ये दोबारा जा रहा है अवन में। तो गाइस ये आ गया हमारा पिज्जा। ये देखिए गाइस थिन क्रस्ट है, चिल आप चीज फुल देखो। ओहो हो वुड फायर में पिज्जा का अपना अलग ही मजा होता है गाइस, बिल्कुल हटके फ्लेवर है। एक इन्होंने जिंजर और गार्लिक का कुछ रसा टाइप था वो डाला था, उसका काफी डिस्टिंक्टिव फ्लेवर आ रहा है। बेस जो इन्होंने हाथ से बनाया है, वो हमेशा बताओ पिज़्ज़ा में 3 चीज़ होती है, बेस, सॉस और टॉपिंग, और तीनों में ये काफ़ी मस्त है। ये आ गया नॉन वेज वाला, जैसे आपका एडिशनल क्या है सॉसेज है। और ये दो पिज़्ज़ा मेकर से मात्र हमारे 400 रुपये के नीचे हैं, फुल ऑन लोडेड है, हैंड क्राफ्टेड है। और मैं हमेशा बोलता हूँ पिज़्ज़ा खाना हो तो लोकल चेन से खाओ, पहली ऑप्शन। वो कहीं ना मिले तो वो डोमिनोज खा लो या पिज्ज़ा खा लो।
तो गाइस पिज़्ज़ा का टेस्ट काफ़ी अच्छा है, नॉनवेज की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, जो सॉसेज यूज़ करके काफ़ी अमेजिंग क्वालिटी की है। दिस इज द फर्स्ट थिंग वी आर ईटिंग इन पौंडीचेरी एंड काफ़ी अच्छे फ्लेवर है यार, स्टार्टिंग शुरुआत काफ़ी अच्छी हुई है। कॉस्ट फॉर टू वुड बी अराउंड 400 कम यार एंजॉय अ गुड पिज़्ज़ा और अ पिज़्ज़ा सजेस्टेड बाय वन ऑफ यू। तो गाइस हम देख रहे हैं ये बन रही है फिल्टर कॉफ़ी, बढ़िया सी ये फेट रहे बड़े अच्छे से। एक फिल्टर कॉफ़ी, एक फिल्टर कॉफ़ी। हाँ तो ये है सबसे नंबर वन शॉप इन पौंडीचेरी फॉर बेस्ट कॉफ़ी। तो ये देखिए गाइस सीधा बस जा रही है कॉफ़ी, ये देखो वाओ, हो वाह। जो कॉफ़ी है वो है आपकी अराउंड 20 रुपए की, ब्लैक कॉफ़ी 18 रुपए की, मिल्क भी है 18 रुपए का। क्या इसमें फ्लेवर है, ओहो खुशबू। सब यहाँ पे समोसा खा रहे हैं, तो हम भी खा के देखते हैं। तो गाइस मुझे लगा ये कुछ कीमा वीमा है, पर ये है बीट रूट का समोसा। वाओ क्या कभी आपने ये खाया, बीट रूट वाला समोसा बिल्कुल गरम गरम है, किलर कॉम्बिनेशन। तो आई वुड से पौंडीचेरी आओ तो श्री साई राम कॉफ़ी बार पे ज़रूर आना। एक और शॉप है जहाँ पे आप ये कॉफ़ी पी सकते हो, KBS की बात। देखिए गरम गरम पानी में इसको धो रहे हैं ग्लास को, ये है एक ऑप्शन कॉफ़ी का। तो गाइस ये कॉफ़ी मैंने पी है एंड काफ़ी अच्छा टेस्ट है इसका भी, स्ट्रॉन्ग वेरी नाइस। आप यहाँ पे भी आ सकते हो, सुबह से सैंडविचेस मिलते हैं, काफ़ी अच्छा मेन्यू मिलता है। मैंने मास्क बस ऐसे पीछे कर दिया, बट थोड़ा कोरोना केसेस कम है पौंडीचेरी में कम्पेयर टू तमिलनाडु एंड इंटायर इंडिया, इट्स वेल मेंटेन्ड कोरोना केसेस है। तो गाइस ये देख रहे हैं हम लोग इस वक्त बन रही है आपकी चिकन मैकरोनी, मैकरोनी डाली इन्होंने। अब मून फास्ट फूड काफ़ी फेमस है पौंडीचेरी में बिटवीन द यूथ, एंड ये देखो ये विनेगर डाला इन्होंने। हाँ ये तैयार है हमारी सब। गाइस हमें मून फास्ट फूड पे हमने मेकिंग देखी है एंड बड़ी डोप सी यहाँ पे ये चिकन मैकरोनी मिलती है। चाइनीज़ में भी काफ़ी सामान है यहाँ पे मिलता है आपको, चिकन बिरयानी, चिकन नूडल्स, चिकन रोल, वेज कटलेट, चिकन पकौड़ा, चिकन फ्राइड राइस, एग नूडल्स, वेज नूडल्स। मतलब है ये फ्यूजन हो गया इटालियन चाइनीज़ और देसी, दंग ज़्यादा नहीं स्वाद निकलेगी, और दिस इज डोप। 70 रुपये में ये क्वान्टिटी देखो गाइस, टू मच क्वान्टिटी।